करंटक ने हम लोग मियाँ बीबी के बारे में कुछ अनाप शनाप बोला था, और काफ़ी मेरे दोस्त लोगों ने भी मुझे फ़ोन करके बोला कि भाई तेरे वाइफ का वीडियो देख, शायद रंटक ने कुछ उल्टा सीधा बोला है। तो वाइफ बहुत भड़की हुई है, पर मुझे टाइम नहीं था, मैं भी साहब के साथ बिजी था, तो मुझे मैं वाइफ का वीडियो भी नहीं देख पा रहा था। और मैंने देखा तो मुझे पता चला कि रंटक ने कुछ तो बोला है, कुछ ऐसी बात बोली कि वो मुझे बता नहीं रही है, ना मेरे दोस्तों को भी पूछा तो उन लोग ने भी मेरे को बता नहीं। पर रंटक इतना याद रख लाडू, तूने जो भी कुछ बोला है ना, देख मेरे को तो आज नहीं तो कल बाहर से मालूम गिरे गए कि तूने क्या क्या बोला है। पर तेरे को पहले ही बोल रहा हूँ कि मेरा और मेरी बीवी के बारे में अगर कुछ भी रंटक अगर तूने बोला इसके बाद, तो समझ जाना रंटक मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मेरे हाथ से बचने वाला नहीं है, मैं तेरे को बहुत मारूंगा। अगर तेरे को अगर बचना रहेगा ना, तो तू मेरी बीवी का जाके माफी मांगेगा पैर पड़ के भर में कि तूने क्या बोला है क्या नहीं। वो मैं तो एक दो दिन में मैं इंक्वायरी करके मैं निकालूंगा ही कि तूने क्या बोला है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आपने वीडियो देख ही ली है मनोज सोलंकी की, तो बात करते हैं अब इसी टॉपिक पर, कुलसुम नायक, रंटक शेख और मनोज सोलंकी के बारे में। आपने वीडियो देखी तो वीडियो से समझ ही गए होंगे, और इससे आपके बहुत सारे सवाल क्लियर भी हो गए होंगे जो थे कुलसुम नायक और मनोज सोलंकी के बारे में। और ये जो रंटक शेख है, इनको ये डोज देना ज़रूरी था, क्योंकि ये सबको हल्के में ले रहा है। किसी भी यूट्यूबर की चुगली करके उनको गालिए बक के ये समझ रहा है मैं बहुत बड़ा बन गया, पर ये नहीं जानता कि कुलसुम नायक और मनोज सोलंकी किसी के बारे में नहीं बोलते। अब वो आगे मैदान में आए हैं तो इसको पता चलेगा। ये सबसे पंगा ले रहा है, सबको बिना बात में छेड़ रहा है रंटक शेख जो है। वैसे तो रंटक शेख ने कुलसुम नायक से माफ़ी मांगी ली है, आप सब जानते ही हैं। उसने वीडियो बनाई थी जिस पे कुलसुम नायक ने कहा था कि तुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और फिर बाद में उसने डिलीट करने के लिए भी कहा। मगर अब सामने आई है ये मनोज सोलंकी की वीडियो, जिस पे उन्होंने क्लियर कहा है कि मैं तुझे मारूंगा, और तुझे अगर बचना चाहता है तो मेरी वाइफ के पैर पकड़कर, यानी कुलसुम के पैर पकड़कर माफ़ी मांग। इससे आपके ये भी सवाल क्लियर हो गए होंगे कि इनके रिश्ते में कोई भी ख़राबी नहीं है, ये आज भी दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये अलग नहीं हुए हैं और ये एक साथ ही हैं। और देखिए, चाहे दूर रह रहे हों, होगी इनकी कोई अपनी वजह, मगर देखिए आज भी ये एक दूसरे की फ़िक्र करते हैं। क्योंकि कुलसुम नायक ने भी अपनी वीडियो में कहा कि अगर तू मेरे हस्बैंड को कुछ बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, और ये ही कहा है मनोज सोलंकी ने, आपने वीडियो में देख ही लिया है। आप इस वीडियो से सहमत हैं, मेरी वीडियो से सहमत हैं और मेरी बातों से सहमत हैं, तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और हम हैं कुलसुम नायक के साथ और मनोज सोलंकी के साथ, क्योंकि ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, इनकी कोई भी कमी नहीं है, ना ही इनकी कोई गलती है। ये तो हमेशा अपनी वीडियो बनाते हैं, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, ना ही कोई वीडियो में ये किसी को कुछ कहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए।